हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो जहां हम शेयर करते हैं छोटी छोटी से टिप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि वो मेरे वीडियोज को पूरा देखें, पूरे वीडियो को एंड तक अच्छे से देखें। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताए होते हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। आज के वीडियो में हमें ट्रूजू पैकिंग करेंगे, बॉयज के लिए स्पेशली ट्रूजू पैकिंग। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ट्रूजू पैकिंग के लिए देखिए, इस तरह का ये बॉक्स लिया है मैंने, खाली एम्प्टी बॉक्स है ये। आपके पास और भी कोई तरह का बॉक्स हो तो वो भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये स्क्वायर बॉक्स रखा था, इसका इस्तेमाल किया है मैंने। एक ब्लैक कलर का कपड़ा लिया मैंने इस पे। ये इस पे पैकिंग के लिए हमें चाहिए है, आप कोई भी कलर चॉइस आपके हिसाब से रख सकते हैं, कपड़े का मटेरियल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि ये बॉयज के लिए आज हमें की ट्रूजू पैकिंग करें तो मैंने कुछ चॉकलेट्स का इसमें इस्तेमाल किया है, तो जो भी चॉइस के आप अगर चॉकलेट लेना चाहें तो चॉकलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इस तरह की लेस, ये लेस हम इस्तेमाल करेंगे हमारे बॉक्स को छुपाने के लिए। और कोई भी ब्रॉच ले सकते हैं आप, देखिए मैंने इस तरह का ये लटकन वाला लिया है, कोई भी छोटा सा ब्रॉच इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी पैकिंग करनी है, जैसे मुझे ये पैक करना है, तो कोई भी पैकिंग जो आप ले रहे हैं गिफ्टिंग के लिए, तो वो पैकिंग को आपको बॉक्स के साइज की पैक करनी है। जैसे मेरा स्क्वायरिश बॉक्स है तो मैंने ये पैकिंग देखिए बॉक्स के साइज के हिसाब से की है, जो मेरे बॉक्स में प्रॉपर फिट हो जाए, तो मैंने वैसी पैकिंग की है। ये देखिए इस तरह की मेरी पूरी। अगर आपके रेक्टेंगल बॉक्स हो तो आप रेक्टेंगल पैकिंग लीजिएगा आपकी, और उसे पहले से ही आप पॉलीथिन में इसमें पैक करके रखेंगे। इसे साइज हम पहले से ही बना के तैयार कर लेंगे हमारे बॉक्स के लिए। अब हम सबसे पहले बॉक्स पर ये जो लेस है वो लेस लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हम लेस लगाएंगे यहाँ पे पूरे बॉक्स पे। ये सिंगल में देखिए बॉक्स दिख रहा है, इस लेस को हम डबल लगाएंगे। एक लेयर लगाने के बाद में हम इसके ऊपर दूसरी लगा के पूरा कवर कर देंगे इस तरह से। ग्लू से लगाएंगे हम इसे, डबल लगा के हमें पूरी इसे कवर कर देनी है, बॉक्स को पूरा हमें कवर कर देना। देखिए इस तरह से शुरू करके इस तरह से हमें चारों तरफ ये लेस लगा के तैयार करना है। ये देखिए चारों तरफ से हमारी लेस रख के बॉक्स रेडी हो गया है। अभी सबसे पहले हमें इस बॉक्स में जो भी पैक करना है वो सामान लगाना है, उसे हम ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे ताकि हमारा सामान इधर से उधर हिले नहीं। सबसे पहले हम इसे ग्लू की हेल्प से पूरा चिपका देंगे ताकि हमारा सामान यहाँ से वहाँ न हिले। अब हम सबसे पहले कपड़ा लेंगे। इस कपड़े का साइज देखिए, जो भी बॉक्स लिए हमें, हमने जो भी बॉक्स लेना है वो बॉक्स से हम बड़ा रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर से, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कम से कम भी 3 से 4 इंच बड़ा रखा है ये कपड़े को मैंने यहाँ से। और साइड में से इतना बड़ा रखना है हमें कि ओवरलैपिंग हो जाए, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग हो, उतना बड़ा कपड़ा हमें कटिंग करके रखना है। कपड़ा कटिंग होने के बाद में सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स को फोल्ड कर देंगे। ये जो कॉर्नर्स है इसे हम इस तरीके से चिपका भी सकते हैं, और नहीं तो आप एजेस बर्न करके भी इसे यूज में ले सकते हैं। इस तरीके से हम सबसे पहले इसके कॉर्नर फोल्ड करेंगे, और या आप बर्न करना चाहें तो बर्न करके, ताकि हमारे धागे नहीं निकले, वैसे भी आप कर सकते। देखिए हमारे कॉर्नर हमने फोल्ड किए हैं, 3 साइड से हमने इसके कॉर्नर फोल्ड किए हैं। एक साइड से हमने इसका कॉर्नर ऐसे ही छोड़ दिया है, एक साइड से हमने ऐसे ही छोड़ा है, 3 साइड से फोल्ड किया है। अभी हमें इसे बॉक्स को सेंटर पे रखना है। अब देख रहे होंगे, देखिए इस तरीके से एकदम कॉर्नर पे ये जो हमारा कपड़ा है सेंटर में एकदम बॉक्स के किनारे पे इस तरीके से होना चाहिए। और ये हमारा इस तरीके से ओवरलैपिंग होना चाहिए, इतना ओवरलैपिंग होना चाहिए। ये नीचे की स्ट्रिप हम इसे चिपका देंगे ग्लू की हेल्प से, ताकि हमारा कपड़ा यहाँ वहां हिले नहीं और ये हमारा ओवरलैपिंग सेट हो जाए। ओवरलैपिंग सेंटर में आए वो आप ध्यान रखिएगा, और ये हमारा
प्रॉपर चिपक जाए। देखिए हमारा चिपक गया है नीचे से, ये हमने पूरा चिपका दिया है। अब हमने ऊपर की तरफ चलना है। यहाँ देखिए ये हमारा इतना पोर्शन एक्स्ट्रा हमने रखा है 3 से 4 इंच, इसे हमें क्या करना है, इसे देखिए हमें डबल फोल्डिंग करनी है। ये जो हमारा कॉर्नर है यहीं तक इसे लाना है, बट इसकी फोल्डिंग हमें डबल करनी है। इस तरीके से हमें इसे 2 बार इतना घुमाना है कि ये कॉर्नर पे आ जाए। बिल्कुल अंदाजे का काम है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर पे आ जाए। और ऊपर से हमें ऐसा फोल्ड मिले, आप देख रहे हैं ये ब्लैक है इसलिए दिख नहीं रहा। ये देखिए डबल फोल्ड ऊपर से हमें इस तरीके का डबल फोल्ड मिले ऊपर से। इस तरीके से इस पट्टी को रखना है और इसे भी यहां से हमें सिर्फ नीचे नीचे से चिपका देना है, इतना फोल्ड करके हमें चिपका देना है। ये देखिए यहां से हमने हमारा कपड़ा फोल्ड करके पूरा चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल है इसे, जिससे मैंने ओवरलैपिंग आपको बताया था, अब इसे हम ओवरलैपिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे का हिस्सा है उसे हम, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैं एक पतला सा फोल्ड मैंने इसे लिया है, छोटा सा फोल्ड, ठीक है। और उसके बाद में इसे मैंने ट्राइंगल में इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसे मैंने अरेंज कर दिया। पहले आप इसे पिन से अरेंज कर लें, उसके बाद में आप इसे पूरा चिपका कर रेडी कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरा हिस्सा लेके आएंगे इस तरफ में, ठीक है। और यहाँ से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरीके से कॉर्नर दे देंगे। और ऐसे इस तरह एक बार टचिंग से हम सेट कर लेंगे। पूरा सेट होने के बाद में इसे पूरा हम चिपका देंगे, सेट हो जाएगा उसके बाद में हम ये जो नीचे का है इस हिस्से को इस तरह से चिपका देंगे इस पर। ऊपर के हिस्से को इस तरह से ओवरलैपिंग करते हुए देखिए इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए ये हमारा आप देख रहे होंगे कोट के जैसा लुक आ गया है इसका। पूरा हमें टाइटली चिपका देना है इसे, एक बार प्रॉपर सेट कर देना दोनों कॉलर्स प्रॉपर बने हैं कि वो देख के, पूरा सेट करके हमें इसे पूरा इस पर हल्का हल्का ग्लू लेकर चिपका देना है। ये देखिए ये इतना पूरा हमारा सेट हो गया है। ये सेट होने के बाद में, इतना पूरा सेट होने के बाद में हमने ये जो हमारा कोट बनाया है इसका कॉलर देना है। इसका कॉलर बनाने के लिए देखिए अगेन मैंने वही लेस यूज की है, वही लेस को हम देखिए इस तरीके से, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा कॉर्नर है कॉलर का ऊपरी हिस्सा है उस पर हम ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे। यहां हम कॉर्नर बिठाएंगे और इस तरीके से हम देखिए ये कोट के इस हिस्से पे भी लगा देंगे। दोनों कॉलर बनानी है हमें एल शेप में, ये दो जो कॉलर का हिस्सा बनाया है ये हमें लेस लगा के तैयार करना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ इस तरफ का भी हमने यही लेस को लगा के तैयार करना है, इस तरह से लेना है। और यहाँ पर ये एक अंदर आ जाएगा लेस का हिस्सा, ओवरलैपिंग है, और ये इसके ऊपर आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। उतना फिनिशिंग का आप ध्यान रख के बनाइएगा और पूरा ग्लू से चिपका के हम इसे रेडी कर लें। ये देखिए ये हमारी लेस लग के भी रेडी हो गया। देखिए किस तरह से पूरा कोट का शो आ रहा है इसका, लेस लगने से और भी कोट जैसा लुक आने लग गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बॉयज के लिए करें तो कुछ हम चॉकलेट्स का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सफेद हिस्सा हमारा जो दिख रहा है जिस पर हमने लेस लगाई है उस पर आप कोई किसी भी तरह की कोई भी चॉकलेट अरेंज कर सकते हैं। चाहे तो इस तरह की चॉकलेट पास पास में लगा के अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो इस तरह की कोई भी चॉकलेट आप इस तरह से पास पास में लगाकर अरेंज कर सकते हैं। पूरा हम ये चारों तरफ इस तरह से पूरा चॉकलेट से इसे कवर कर देंगे। चॉकलेट आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं और इस तरह से कवर करनी है। देखिए चॉकलेट लग के पूरा रेडी हो गया है। साइड में मैंने सिंगल लेयर लगाया है, यहाँ डबल लगाया है, ये देखिए। अब फाइनली इस पे हम एक ब्रॉच लगाएंगे। ये देखिए स्टार्टिंग में आपको ब्रॉच बताया था, किसी भी तरह का ब्रॉच लगा सकते हैं, इसे हम फाइनली यहाँ पर चिपका देंगे। अगर आपको इस तरह का ब्रॉच नहीं लगाना तो आप कलरफुल पेपर से भी ब्रॉच बना सकते हैं।
कलरफुल पेपर का ब्रश बनाकर भी आप इस तरीके का यहाँ अरेंज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कैसा भी ब्रश लगा सकते हैं। कलरफुल पेपर का हम ब्रश बना के लगाएंगे तो भी सुंदर लगेगा, और अदरवाइज आप इस तरह का कोई भी ब्रश लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। देखिए हमारा ट्रूजू पैकिंग बहुत ही सिंपल और सोबर, मैंने बहुत जैजी नहीं बनाया, बहुत मैंने फ्लावर नहीं अरेंज किए, बहुत सिंपल रखा है इसे, ताकि ये जो हमने कोट बनाया इसका लुक आए, और साथ में हमने बॉयज के लिए रखा है तो कुछ मीठा हो जाए, हम कुछ चॉकलेट्स इसमें अरेंज किए हैं। अगर आज की ट्रूजू पैकिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।